रतलाम जिले के आलोट में नवागत थाना प्रभारी के पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्र में चोरी की वारदातों का इजाफा होने लगा। थाना प्रभारी ने आते ही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में विफल होते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं चोर गिरोह सक्रिय हैं और प्रतिदिन मोटरसाइकिल व चोरी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चुक रहे हैं। वहीं जनता में आक्रोश बढ़ता देख शहर कांग्रेस आलोट द्वारा थाना प्रभारी को अनुभागीय अधिकारी पुलिस के नाम ज्ञापन दिया गया और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए मांग की गई। यदि चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं देखा जाए तो कंजरों की आतंक वाला क्षेत्र यह माना जाता है। पिछले कई थाना प्रभारी यहां पर चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में विफल नजर आए। राजस्थान और एमपी की सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीक आने वाला आलोट कंजरों के आतंक से पीड़ित है। आज हम लोग शहर कांग्रेस परिवार और सभी साथी लोग हम आए थे एसडीओ मैडम को ज्ञापन देने। विगत कुछ महीनों से यहाँ पर चोरी की वारदात, बाइक चोरी की हुई है, अन्य चोरी की वारदात काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। एक एक रोज में चार चार पाँच पाँच बाइक चोरी हो रही है और भी दूसरी चोरियाँ भी हो रही है। उसके लिए हम सब लोग एसडीओपी मैडम के पास आए थे, लेकिन एसडीओपी मैडम तो भोपाल मीटिंग में गए हुए हैं, तो टीआई साहब से अभी मुलाकात हुई। टीआई साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि सर इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आलोट की जनता त्रस्त हो गई है, इतनी चोरियाँ हो रही है। इस संबंध में ज्ञापन देना आए थे हम। हमारे जिला महामंत्री नागेश जी खारोल, विधानसभा अध्यक्ष अशोक जी पांचाल और पूरी टीम हम सब लाए। टीआई साहब ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। उनने बताया भी कि एक आध चोरी की बाइक हमने करी है और एक व्यक्ति को जेल भी पहुँचा है और आगे भी बोले कि हम सख्ती से इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि दो चार आठ दिन देखेंगे, उनने बोला है कि सात आठ दिन में हम रिजल्ट दे देंगे आपको कि सख्त कार्रवाई होगी, और यदि नहीं होती है तो शहर कांग्रेस पूरी ताकत से आंदोलन करेगी पुलिस प्रशासन के खिलाफ और इसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।